कोविड-19 के कारण आज जम्मू कश्मीर में 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 2,135 नए कोविड पॉजिटिव केसेस आज के दिन में भी जम्मू कश्मीर में आए हैं। अगर मैं कोविड के कारण जिन लोगों की मौत हुई है उनकी बात करूं, तो आज के दिन में 6 मौतें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुई हैं, एक डेथ मिलिट्री हॉस्पिटल सतवारी में हुई है, एक डेथ एस्कॉम्स बत्रा में हुई है, एक मौत CH हॉस्पिटल उधमपुर में हुई है, एक मौत जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रजौरी में हुई है, और 2 वो लोग थे जिनकी मौत घर पर हुई, जिन्हें अस्पताल जब लाया गया तो उनकी मौत ऑलरेडी हो चुकी थी। एक व्यक्ति जो है जो कि EMC अमृतसर में जिनकी मौत हुई, एक व्यक्ति की मौत PGI चंडीगढ़ में हुई, 5 लोग थे जिनकी मौत SMHS में हुई, एक व्यक्ति की मौत JLNM हॉस्पिटल श्रीनगर में हुई, 2 लोगों की मौत स्किम्स सौरा में हुई, 2 लोगों की मौत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में हुई, और एक व्यक्ति की मौत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में हुई। इन 25 के 25 लोगों के परिवारों के साथ हमारी कंडोलेंसेस हैं, लेकिन आज के दिन में भी जो केसेस आए हैं, इन केसेस के आने के बाद एक्टिव पॉजिटिव केसेस 20,000 जम्मू कश्मीर में क्रॉस कर चुके हैं। इस समय 20,601 एक्टिव पॉजिटिव केसेस जम्मू कश्मीर में हैं और डेथ का फिगर 2,172 पहुंच चुका है। हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस आज भी श्रीनगर में देखने को मिल रहे हैं, जहां 632 टोटल केसेस हैं आए हैं आज, और जिनमें से 42 ट्रैवलर्स हैं, 590 लोकल्स हैं। बारामूला से 136 केसेस आए हैं जिसमें से केवल 10 ट्रैवलर्स हैं। बड़गाम से 133 केसेस आए हैं जिनमें से 8 ट्रैवलर्स हैं। पुलवामा से 26 केसेस आए हैं, 4 ट्रैवलर्स हैं। कुपवाड़ा से 81 केसेस आए हैं, 4 ट्रैवलर्स हैं। अनंतनाग से 93 केसेस आए हैं जिनमें से अनंतनाग में 2 ही जो ट्रैवलर्स हैं वो कोविड पॉजिटिव आए हैं, 91 लोकल्स हैं। बांडीपुरा से 53 केसेस आए हैं जिनमें से 7 ट्रैवलर्स हैं। गांदरबल से 43 केसेस आए हैं जिनमें से 4 ट्रैवलर्स हैं। कुलगाम से आज एक बड़ा आंकड़ा जो है वो कोविड पॉजिटिव केसेस का देखने को मिल रहा है। कुलगाम से 139 कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं, लेकिन 110 उनमें से ट्रैवलर्स हैं, केवल 29 लोकल्स हैं जो कि कोविड पॉजिटिव आए हैं। शोपियां से 8 केसेस आए हैं जिनमें से 2 ट्रैवलर्स हैं, 6 अन्य लोग हैं, और 1,344 टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं आज कश्मीर डिवीजन से, जिनमें से 1,151 लोकल्स हैं और 193 ट्रैवलर्स हैं। जम्मू डिवीजन की अगर बात की जाए, आज दोबारा से स्थिति जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में गंभीर है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 472 कोविड पॉजिटिव केसेस आज दिन में आए हैं, जिनमें से 41 ट्रैवलर्स हैं, 431 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। उधमपुर से 20 लोकल्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। रजौरी से भी 46 केसेस आए हैं जिनमें से केवल 2 ट्रैवलर्स हैं। डोडा से 33 लोग कोविड पॉजिटिव आए हैं, इनमें से ट्रैवलर कोई भी नहीं है। कठुआ से 33 केसेस आए हैं, 10 ट्रैवलर्स हैं, 23 लोकल्स हैं। सांबा से 13 केसेस आए हैं, एक ही ट्रैवलर है, 12 लोकल्स हैं। किश्तवाड़ से भी 13 केसेस आए हैं, एक ट्रैवलर है, 12 लोकल्स हैं। पुंछ से 22 केसेस आए हैं जिनमें से 9 ट्रैवलर्स हैं। रामबन से 4 लोकल्स कोविड पॉजिटिव आए हैं, और फिर आते हैं रियासी की ओर, क्योंकि रियासी में भी कोविड पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा बड़ा जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। 135 नए केसेस रियासी में आए हैं जिनमें से 42 ट्रैवलर्स हैं, लेकिन 93 लोकल्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। आज के दिन की अगर बात की जाए, 791 केसेस जो आज पूरे जम्मू डिवीज़न में आए हैं, उनमें से 106 ट्रैवलर्स हैं, 685 अन्य लोग हैं जो कि कोविड पॉजिटिव आए हैं। उसके अलावा 1,067 लोगों ने रिकवर भी किया है, जो रिकवर होकर अपने घर चले गए हैं। लेकिन गंभीर बात यह कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में इस समय जो पेशेंट्स एडमिट हैं उनका नंबर 270 है, और उनमें से 183 वो हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। उसके अलावा 27 लोग वो हैं जो ICU में हैं लेकिन वेंटिलेटर पर नहीं हैं। 39 लोग वो हैं जो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं, और एक व्यक्ति वो है जो वेंटिलेटर पर है। अभी भी अगर बात करें नारायणा हॉस्पिटल की, तो नारायणा हॉस्पिटल में बेड्स की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, 100 कर दी गई है, लेकिन 78 पेशेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी नारायणा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनमें से 21 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, 17 ICU में है लेकिन वेंटिलेटर पर नहीं है, 3 नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं, और 2 लोग वो हैं जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं। ओवरऑल जम्मू डिवीज़न की अगर बात की जाए, तो 577 ऐसे पेशेंट्स हैं जो पूरे जम्मू डिवीज़न में अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, और उनमें से वो लोग जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं उनका नंबर 366 है। उसी तरीके से कश्मीर की भी अगर बात की जाए, तो SMHS हॉस्पिटल में 167 पेशेंट्स एडमिट हैं, जिनमें से 160 पेशेंट्स वो हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। स्किम्स सौरा में 230 पेशेंट्स एडमिट हैं, जिनमें से 219 पेशेंट्स वो हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। साफ तौर पर स्थिति जो है वो जम्मू कश्मीर में गंभीर होती नज़र आ रही है, जिसके चलते आज जो है जम्मू में डिस्ट्रिक्ट में DC जम्मू ने भी
दो एरियाज को माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया केसेस आने के बाद। सेक्टर ई सैनिक कॉलोनी में लगभग 800 घरों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया। उसके अलावा भगतपुरा एरिया, नियाबत ऑफिस, रखबाहू, इन एंड अराउंड इम्पीरियल फ्लैट्स, मोहल्ला चारखा अप टू ठंगर पुली, इंक्लूडिंग एरिया अराउंड राशन डिपो, वार्ड नंबर 51, छन्नी हिम्मत, जिस एरिया के अंडर लगभग 2500 हाउस होल्ड आते हैं, इस एरिया को भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया। माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करने के बाद इन एरियाज में भी अब टेस्टिंग की जाएगी, ये इंश्योर करने के लिए कि यहाँ पर कितने कोविड पॉजिटिव केसेस हैं उस बारे में पता लगाया जा सके। मेरे साथ बात करने के लिए स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनेद हाशमी। जुनेद जी, मुझे ये बताएं कि कल 34 आवर कर्फ्यू, 34 आवर कोरोना कर्फ्यू जो है वो इन दो दिनों में रहा, उसके बावजूद भी अभी भी 50% शॉप्स ओपन हैं, ट्रांसपोर्टर्स ऑफ रोड्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लगाई गई है, कई सारे लोग जो निकल रहे हैं मास्क पहन रहे हैं, उसके बावजूद भी COVID-19 के केसेस कम नहीं हो रहे, मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा, कैसे देखते हैं सर? और सबसे पहले पल्लवी जी, टेस्टिंग अभी भी हो रही है, टेस्टिंग बंद कर दी गई थी पहले, ये टेस्टिंग अगर हो भी रही थी तो बड़ी सीमित टेस्टिंग हो रही थी। टेस्टिंग बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, उसके चलते पॉजिटिव केसेस भी आ रहे हैं। जब तक टेस्टिंग चलती रहेगी तब तक पॉजिटिव केसेस आएंगे, और जब टेस्टिंग पर विराम लगेगा एकदम से आपको पॉजिटिव केसेस जो है आने बंद हो जाएंगे आपके, पहली बात। दूसरा, जैसे सभी डॉक्टर्स कह रहे हैं, सभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये एक वेव है, ठीक है, और ये वेव पीक करेगी 15 मई तक, सब कह रहे हैं, अब अलग अलग सबके आंकड़े हैं। लेकिन मेरा जाती तौर पर ये मानना है कि आज जो एडमिशन्स हुई हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उन एडमिशन्स के बाद स्थिति गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ये है कि इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 270 के करीब करीब पेशेंट हैं। सीडी हॉस्पिटल को भी आज खोल दिया गया है। 14 लोगों की जान COVID-19 के कारण आज गई है। 14 लोगों की जान जाने के साथ साथ में 11 लोग कश्मीर घाटी से भी COVID-19 के शिकार हुए, 25 लोगों की मौत हुई है। तो अगर कल का आंकड़ा और आज का आंकड़ा मिलाएं तो 46 लोगों की मौत हो चुकी है। कल भी मैंने ये कहा था कि दुकानदार के लिए दिक्कत हो सकती है, ट्रेडर के लिए दिक्कत हो सकती है, आम आदमी के लिए परेशानी हो सकती है, सड़क पर काम करने वाले, एक रेड़ी चलाने वाले के लिए दिक्कत हो सकती है, हर आदमी के लिए दिक्कत हो सकती है। मगर 46 मौतों के बाद जब मैं किसी को कश्मीर से ये बोलते हुए सुनता हूँ कि हालात ठीक हैं, पहले से बेहतर हैं, पहले से हालात बेहतर नहीं, पहले से हालात ख़राब हैं। पिछली बार जो मौत का आंकड़ा था 46, दो दिन में कभी मौत का आंकड़ा नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है कि दो दिन में 46 लोगों की मौत हुई है। और अगर आप 3 दिन जोड़ेंगी तो आपने 61 लोगों को खोया है सिर्फ 3 दिनों में COVID-19 के कारण। इसमें कोई शक नहीं कि 1% है पूरे हमारी कंट्री में डेथ रेट इसका, लेकिन 1%, 135 करोड़ में लगभग 125 करोड़ के करीब करीब नंबर ये बनता है। दूसरी चीज़, ये जो वेव है इस वक्त ये है कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश, यूपी में भी। तीसरा कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन को जो कदम लेने चाहिए थे वो कदम लेने में प्रशासन थोड़ा हिचकिचा रहा है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जो उनकी सुपुत्री हैं वो ठीक नहीं थी, सबको बता देंगे, बहुत अलग अलग पोर्टल्स के ऊपर खबर चली कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जो सुपुत्री हैं उनके बारे में खबर चली कि कोविड को लेकर चली, वो गलत है, अफवाह है, बकवास है, कुछ ऐसा नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सुपुत्री को थोड़ी बीमार थी, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, और उन्होंने प्रेफर किया कि मैं अपनी सुपुत्री को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेकर जाऊँगा, वहाँ पर डॉक्टर्स उनको ट्रीट करेंगे। उनकी प्रॉब्लम क्या थी, दिक्कत क्या थी, मुझे लगता है इसको पब्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उनका निजी मामला है। लेकिन जब वो नारायणा के होते हुए और अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेट चॉपर है उनके पास, उसका इस्तेमाल करके सीधा यहाँ से दिल्ली फोर्टिस मैदान तक कहीं पे भी भेज सकते थे, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाते हैं, दैट सेंस अ क्लियर मैसेज दैट आई ट्रस्ट माई पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर। मुझे लगता है कि प्रशासन को, कल भी मैंने जो कहा था कि स्मार्ट कर्फ्यू के बारे में सोचना होगा, स्मार्ट कर्फ्यू ही एकमात्र एक ऐसा तरीका है जिससे आई थिंक किसी तरीके से विल बी एबल टू ब्रिंग दिस वेव डाउन। लेकिन अब डॉक्टर्स बहुत सारे वो भी हैं जो कह रहे हैं कि इन्फेक्शन ऑलरेडी फैल चुका है, अब अगर आप कर्फ्यू लगाते भी हैं तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, द पीक इज इनएविटेबल ऑलरेडी, हम वी आर इन द पीक तो वी कांट डू मच अबाउट इट। बट
पीक इनेविटेबल है, लेकिन वो लोग जो अभी भी बाहर हैं और इन्फेक्शन फैला रहे हैं उनको तो रोका जा सकता है, नंबर तो कम किया जा सकता है. सो आई एक्सपेक्ट गवर्नमेंट टू टेक सम स्ट्रॉन्ग मेजर्स विच वुड इंश्योर कि और इन्फेक्शन न फैले. नंबर टू, अ स्मार्ट कर्फ्यू इज़ द बेस्ट वे आउट. आप दाएं बाएं जब तक देखते रहेंगे कि सरकार को लोगों की जान बचानी है, सरकार के नॉट वेट कि जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होंगी तो तब हम करेंगे. दूसरा, जहाँ तक मौतों के आंकड़े का ताल्लुक भी है, सिंस वी आर कीपिंग एन आई ऑन कोरोना, तो हमारी नज़र कोरोना के ऊपर है, उसके चलते हमको ये आंकड़े बहुत नज़र आ रहे हैं. लेकिन अगर आप जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जाएं और उनसे दिल की बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा ले लें या बाकी बीमारियों से मरने वालों का आंकड़ा ले लें, तो आपको साफ समझ में आएगा कि जो डेथ्स अभी हो रही हैं बिकॉज दे आर अंडर दिस लेंस, सो दैट इज़ वाई दे आर अपीयरिंग टू अस कि बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं. और एक और चीज़, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अभी तक ऑक्सीजन को लेकर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, परिजनों ने कोई हंगामा अभी तक नहीं किया. पहले कंप्लेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से फर्स्ट वेव में आ रही थी, वो कंप्लेंट्स भी आजकल के टाइम में सुनने को नहीं, वो कंप्लेंट्स भी सुनने को नहीं मिल रही हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट शायद वो उस कंप्लेंट इसलिए भी सुनने को नहीं मिल रही है क्योंकि मेडिकल कॉलेज ने कहा कि जो पेशेंट है उसका उसके साथ उसके परिवार के लोग अटेंडेंट के तौर पर अंदर रह सकते हैं, हालांकि वो इन्फेक्शन को दावत देना है, मगर चूंकि वो कर दिया गया है तो शायद अटेंडेंट भी वही चाहता है, उसके चलते जो है आपको हंगामा देखने को नहीं मिल रहा है. लेकिन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वहां पर है, डॉक्टर्स जो है वो राउंड कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल है वो करने की कोशिश कर रहे हैं. उम्मीद और तवक्का ये कि सरकार कोई ऐसा स्टेप लेगी जिस स्टेप से वी शुड बी एबल टू स्टॉप दिस इन्फेक्शन. बहुत बहुत शुक्रिया. इस समय आम लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए दोबारा बता दूं कि 25 लोगों की मौत कोविड 19 के कारण आज पूरा दिन में भी हुई है, और साथ ही में दोबारा से 2000 से ज़्यादा कोविड 19 के केसेस आज दिन में भी आए हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो काम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से जो कदम उठाने चाहिए थे उन्होंने वो कदम उठाए, लेकिन अब लोगों के ऊपर है कि वो भी एक कॉन्शियस डिसीजन लें, प्रॉपर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यह इंश्योर करने के लिए कि इन्फेक्शन कम फैले. सरकार जो करना चाहती है वो कर रही है, क्या आप वो कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए?